तो फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक और नया प्रेडिक्शन का वीडियो लेकर के। और गाइस यह जो प्रेडिक्शन होने वाला है वह T20 मुकाबला का जो फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा गाइस यहाँ पर से जो 16 अक्टूबर 2022 को खेला जाएगा। तो इसमें हम चर्चा करेंगे किस किस प्लेयर्स को मेरे और आपके टीम में होना चाहिए ताकि मैं फिर से एक प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके ढेर सारा पैसा विन करूंगा। तो गाइस यह जो मुकाबला होगा फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप का हुआ यहाँ पर से श्रीलंका वर्सेज नाबिया के बीच होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करते रहना। तो और गाइस आपको बता देता हूँ आप चाहते हो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से टीम लेना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो भाई ज्वाइन करके रखा हुआ ढेर सारा पैसा विन कर रहा है तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करना क्योंकि वीडियो जो हुआ काफी ज्यादा इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको पूरा एक एक प्लेयर्स का जो यहाँ पर से डाटा एनालिसिस करूंगा किस किस प्लेयर्स को मेरे और आपकी टीम में होना चाहिए ताकि एक फिर से प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके ढेर सारा पैसा विन करेंगे। तो जो भाई को पैसा जितना है यह वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी भाई यहाँ पर से पैसा जितने आए तो सभी भाई यहाँ पर से वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि टॉस होने के बाद मैं अपना फाइनल टीम जो देता हूँ वह टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपके लिए एक इंटरेस्टेड एप्लीकेशन लेकर के आया हूं जिस एप्लीकेशन का नाम है फैन टू प्ले। गाइस फैन टू प्ले एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको कंपटीशन जो है लोएस्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा। जैसे आप ड्रीम इलेवन खेलते हो तो इसमें आपको क्या होता है काफी ज्यादा हाई कंपटीशन देखने को मिलता है। और गाइस आप फैन टू प्ले डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर से आप छोटा छोटा एंट्री लगा करके आप ढेर सारा पैसा विन कर सकते हो। तो जल्द से जाओ आप चाहते हो फैन टू प्ले को डाउनलोड करना तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां पर से ज्वाइन हो जाना। वहां पर से लोएस्ट कंपटीशन रहता और आपको विनिंग का जो हुआ काफी ज्यादा चांसेस बनता है क्योंकि गाइस मैं भी वही एप्लीकेशन खेलता हूं। तो आप भी चाहते हो यहां पर से कम पैसा लगा करके ढेर सारा पैसा विन करना तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस एप्लीकेशन का नाम है फैन टू प्ले, तो फैन टू प्ले को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं और आपको पूरा बारीकी से जानकारी देता हूं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वह भाई को शुक्रिया देना चाहता हूं जो भाई यह वीडियो को सबसे पहले लाइक किया है, कमेंट किया और गाइस यहां पर से सीधा सीधी जो हुआ आज फिर से 200 रुपया विन कर चुका है। तो गाइस 200 रुपया मैं सबसे पहले लाइक और कमेंट का देता हूं। तो आप यह पैसा को नहीं विन कर पाए हो तो मैं आपको बता देता हूं अभी अभी आपको लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा और आप यहां पर से 200 रुपया जो विन कर सकते हो। कभी मैं 200 देता हूं, कभी 500 देता हूं और कभी 1000 रुपया भी देता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में आपको लाइक कर देना और आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और गाइस यहां पर से 200 रुपया आप विन कर सकते हो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए मैं अब वीडियो शुरू करता हूं और आपको पूरा बारीकी से जानकारी देता हूं। तो गाइस सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जब ये दोनों के बीच जो मुकाबला होगा वेन्यू की, तो गाइस देख सकते हो GMHV स्टेडियम ग्रीन लॉन्ग में यह मुकाबला खेला जाएगा। उससे पहले गाइस इसका पिच की बात कर लेते तो इसका पिच जो है वो बैटिंग पिच होने वाला और इसका एवरेज स्कोर की चर्चा कर लेते तो इसका एवरेज स्कोर आपको जो दिखाई देता होगा 174 से लेकर के 185। और गाइस इस पिच पर जो हुआ पेसर्स को यानी फास्टर्स को काफी ज्यादा मदद मिलता है। उसके बाद टीम कंपेरिजन की बात कर लेते जब गाइस यहाँ पर से मैं बताना चाहता हूँ नाबिया और साथ में श्रीलंका जब आपस में भिड़ता है तो गाइस यहां पर से नाबिया जो श्रीलंका के खिलाफ विनिंग करता हुआ 40% विनिंग करता और गाइस श्रीलंका जो नाबिया के खिलाफ विनिंग करता हुआ 60% मैच को विनिंग करता। और उससे पहले गाइस इसका डेट की बात कर लेते तो गाइस इसका डेट देख सकते हो 16 अक्टूबर 2022 को और गाइस इसका जो टाइमिंग रहेगा कल यानी 9:30 में आपको यह मैच जो है वह लाइव देखने को मिलेगा। और गाइस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि टॉस होने के बाद मैं अपना फाइनल टीम जो देता हूं वह टेलीग्राम चैनल पर देता हूं क्योंकि अभी जो वह टॉस नहीं हुआ तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल फ्री में। हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों का टीम प्रोवाइड किया जाता है, साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन सारा कुछ बनाया जाता है। तो चलिए मैं अब चर्चा करता हूं सबसे पहले श्रीलंका की प्लेइंग 11 टीम के बारे में। तो गाइस श्रीलंका का जो प्लेइंग 11 टीम जो रहने वाला है कुछ इस तरीके से, विकेट कीपर में आप देख सकते हो आपको मैंडिस नजर आता होगा, उसके बाद आपको दिनेश चंडीमल नजर आता होगा और गाइस यहां पर से भानुका राजा पक्षा पाथुम निशंका और गाइस यहां पर से चरित्र असलंका नजर आता होगा, उसके बाद
आपको यहाँ पर से गुनाथी लिखा, बिंदु हसरंगा, उसके बाद दासमन सनाका, और गाइज यहाँ पर से देख सकते हो चमीरा, और फिर आपको यहाँ पर से तीक्ष्णा नजर आता होगा, उसके बाद आप गाइज देख सकते हो फर्नांडो आपको नजर आता होगा। और गाइज जो भी यहाँ पर से जो श्रीलंका का प्लेइंग 11 टीम में जो चेंजेस आता हुआ टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सिंपली ज्वाइन हो जाना, टाइम टू टाइम देते रहता हूँ मैं आपको, बार बार बोलता हूँ। उससे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं नाबिया का, जो यहाँ पर से नाबिया का जो गाइज यहाँ पर से प्लेइंग 11 टीम रहने वाला उसके बारे में। तो गाइज यहाँ पर से विकेट कीपर देख सकते हो आपको दिखाई देता हुआ जेड ग्रीन, उसके बाद आपको एम्बिल लिंगिन आपको नजर आता होगा, फिर आप यहां पर से देख सकते हो डी एक कॉक आपको नजर आता होगा, उसके बाद गाइस यहां पर से जी इरस्मस आपको नजर आता होगा, फिर यहां पर से देख सकते हो जे जे स्मिथ आपको नजर आता होगा, जेड एन आपको यहां पर से गाइस इल्टॉन नजर आता होगा, इटॉन आपको नजर आता, उसके बाद गाइस यहां पर से देख सकते हो आपको फ्री लिंक नजर आता होगा, फिर आपको यहां पर से जो नजर आता होगा डी वी सो आपको नजर आता होगा, तो गाइस यहां पर से फिर देख सकते हो आर आपको ट्रम्पेलमैन आपको नजर आता होगा, आपको फिर यहां पर से जो नजर आता होगा बी सोल्टेज नजर आता होगा, फिर टी लूंगा मैनी नजर आता हुआ। तो गाइस कुछ इस प्रकार से जो प्लेइंग 11 टीम रहने वाला है वह यहां पर से नाबिया का रहने वाला है। तो चलिए मैं अब आपको जो वह प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करता हूं, वीडियो को आप लोग जो वह पूरा ध्यान पूर्वक देखना, क्योंकि वीडियो जो वह काफी ज्यादा इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। तो गाइस वीडियो आप लोग पूरा वॉच करना, यदि आप भी चाहते हो एक प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करना और साथ में अच्छा खासा कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना। तो गाइस सबसे पहले यहां पर से चर्चा कर लेते हैं मेंडिस की। तो गाइस देख सकते हो कुशल मेंडिस आपको जो विकेट कीपर नजर आता होगा वह श्रीलंका की तरफ से एक मैच में यहाँ पर से लास्ट करेंट यानी तीन मैच की परफॉर्मेंस की चर्चा करते हैं। तो गाइस 54-0 फिर आपको जीरो नजर आता हो, फिर यहाँ पर से विकेट कीपर में आपको चंडीमल नजर आता होगा, तो गाइस 27-2 फिर आपको 152 नजर आता होगा। उसके बाद इधर से चर्चा करते हैं, तो गाइस यहाँ पर से नाबिया की तरफ से आप देख सकते हो नाबिया की तरफ से आपको यहाँ पर से जो नजर आता होगा जेड ग्रीन, तो गाइस जेड ग्रीन का करेंट तीन मैच की चर्चा करते तो आपको 31-4 फिर आपको 16 नजर आता होगा, तो फिर एक ही विकेट कीपर रहने वाला है वह आपको नाबिया की तरफ से नजर आएगा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जो विकेट कीपर सेलेक्ट करने वाला हूँ, आप चाहते हो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, तो आप गाइज ग्रैंड लीग में आपके लिए दो विकेट कीपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो गाइज इधर से आप कुशल मेंडिस को सेलेक्ट कर सकते हो, और गाइज इधर से आप चाहते हो तो जेड ग्रीन को सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूँ स्मॉल लीग में लेना चाहते हो तो स्मॉल लीग में यहाँ पर से इनको ड्रॉप करके, यहाँ पर से जेड ग्रीन को ड्रॉप करके सिर्फ आप श्रीलंका की तरफ से आप एक कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिलहाल ग्रैंड लीग के बारे में चर्चा करता हूँ, तो गाइस ग्रैंड लीग में मेरा यहाँ पर से दो विकेट कीपर रहने वाला, एक यहाँ पर से कुशल मेंडिस और साथ में गाइस यहाँ पर से जेड ग्रीन के साथ जाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर से जो एक कुशल मेंडिस को सेलेक्ट करूंगा, मेरा यहाँ पर से एक कुशल मेंडिस रह गया, उसके बाद गाइस मैं जो सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर से जेड ग्रीन को सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे टीम में यहाँ पर से जेड ग्रीन भी रहने वाला है, तो मैं यहाँ पर से जेड ग्रीन को सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी बैटिंग सेक्शन में चर्चा करते हैं, तो गाइस बैटिंग सेक्शन आपको दिखाई देता होगा, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं यह जो पिच होने वाला है, बैटिंग पिच होने वाला है। तो गाइस बैटिंग पिच होने के कारण मैं यहां पर से जो बैटिंग सेक्शन से कोशिश करूंगा ज्यादा लेने को। तो गाइस यहां पर से देख सकते हो चंडीमल को फिलहाल छोड़ दिया, और गाइस हो सकता है तो चंडीमल को मौका दिया भी जा सकता है, अन्यथा नहीं भी दिया जा सकता है। उसके बाद यहां पर से देख सकते हो आपको राजा पक्षा नजर आता होगा, फिर गाइस यहां पर से पाथुम निशंका नजर आता होगा, और इधर से चर्चा कर लेते हो तो इधर से देख सकते हो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, यदि आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो इसमें आप कोशिश करना बैटिंग सेक्शन में इनके तरफ से नाबिया की तरफ से आप गाइस एक ही बैटिंग सेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और इधर से आप चाहते हो तो दो या तीन या चार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाइस यहां पर से विनिंग का इसमें चांसेस जो बनता हुआ काफी ज्यादा श्रीलंका को बनता है। तो गाइस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यदि सबसे पहले इनिंग में श्रीलंका बैटिंग करता है तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर से आप बैटिंग सेक्शन जो है श्रीलंका की तरफ से ज्यादा कर लेना, तो यदि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तब आप यहां पर से बैटिंग सेक्शन हाफ हाफ कर सकते हो, इधर से ले सकते हो और गाइस इधर से भी ले सकते हो। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले जो बैटिंग करेगा वो यहाँ पर से श्रीलंका ही बैटिंग करेगा, और गाइस श्रीलंका की तरफ से बैटिंग सेक्शन में कोशिश करूंगा ज्यादा लेने की। तो सबसे पहले यहाँ पर से देख सकते हो आपको दिखाई देता होगा राजा पक्षा, फिर आपको यहाँ पर से पाथुम निशंका। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर से ओपनिंग करते हुए जो नजर आ सकते हैं श्रीलंका की तरफ से, आपको यहाँ पर से पाथुम निशंका और साथ में गाइस यहाँ पर से कुशल मेंडिस को ओपनिंग करते हुए जो श्रीलंका की तरफ से काफी ज्यादा चांसेस बनता है। और वही इधर से बात कर लेते हैं, तो इधर से आप देख सकते हो जेड ग्रीन और साथ में आपको एमबी
गेन आपको जो हुआ आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इधर से ट्राई कर सकते हो पाथुम निशंका, कुशल मेंडिस को, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हो राजा पक्षा को लेना तो राजा पक्षा को ले सकते हो, क्योंकि इनको बैटिंग का जो मौका दिया जाता है कभी चौथे नंबर पर और कभी पांचवें नंबर पर भी बैटिंग करने आते हैं, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हो चरित्र अश्लंका आपको नजर आता हुआ, तो गाइज अश्लंका को ले सकते हो यदि आप ग्रैंड लीग खेलते हो स्मॉल लीग खेलते हो, दोनों में ये प्लेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले इधर से चर्चा करता हूं। तो गाइज मैं जो बैटिंग सेक्शन सेलेक्ट करने वाला हूं, यहां पर से बैटिंग सेक्शन जो मैं सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले पी निशंका को मैं यहां पर से सेलेक्ट करूंगा। तो गाइज मैं यहां पर से पाथुम निशंका को मैं सबसे पहले सेलेक्ट करने वाला हूं, तो मैं यहां पर से निशंका को सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी चर्चा करते हैं, तो गाइज यहां पर से आप देख सकते हो गुणाथिलिका नजर आता हुआ, तो गुणाथिलिका को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहां पर से आप राजा पक्षा के साथ जा सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और गाइज इनको फिनिशिंग के तौर पर अच्छा खासा बैटिंग करते हैं, बाकी प्रेशर में भी काफी अच्छा खासा बैटिंग करते हैं अपने टीम के लिए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। तो चलिए मैं यहां पर से राजा पक्षा को सेलेक्ट करता हूं, तो मैं यहां पर से बी राजा पक्षा को मैं सेलेक्ट कर लिया हूं। तो गाइस मेरा टीम में राजा पक्षा भी रहेगा और इधर से आप देख सकते हो आपको जो नजर आता होगा इरामस आपको नजर आता होगा, तो गाइस देख सकते हो जी इरामस आपको नजर आता होगा 34-49, फिर आपको 68 नजर आता होगा, यहां पर से डी एल आपको कॉक नजर आता होगा, तो गाइस 1-1 और आपको 20 दिखाई देता होगा, तो इरामस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला। उसके बाद आप देख सकते हो डीएलए कॉक इसको आप ड्रॉप कर सकते हो, इसे आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ड्रॉप करके चलना। तो गाइस मैं जो सेलेक्ट करूंगा, इधर से आप चाहते हो दो बैटिंग सेक्शन लेना तो दो बैटिंग सेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर से कर सकते हो यदि ये दो प्लेयर्स में, मैं आपको बता देता हूं जेजे स्मिथ में से और गाइस यहां पर से आप इरामस में से कोई एक यहां पर से बैटिंग सेक्शन ले सकते हो। तो मैं जो सेलेक्ट करूंगा यहां पर से इरामस को सेलेक्ट करूंगा, तो चलिए मैं यहां पर से जी इरामस को सेलेक्ट करता हूं। सबसे पहले जी इरामस को मैं सेलेक्ट करता हूं, तो गाइस मेरा टीम में यहां पर से जी इरामस हो गया। बाकी आप चाहते हो इधर से बैटिंग सेक्शन ज़्यादा लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर से इस प्लेयर्स का नाबिया का जो विकेट गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा, तो बैटिंग सेक्शन मैं बोलूँगा इधर से ही ज़्यादा आप कर सकते हो यदि सबसे पहले श्रीलंका बैटिंग करता है तो। और गाइस यहाँ पर से सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तो बैटिंग सेक्शन दो इधर से कर सकते हो, दो इधर से कर सकते हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है सबसे पहले जो बैटिंग करेगा वह श्रीलंका ही बैटिंग करेगा, तो गाइस मैं यहाँ पर से श्रीलंका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा प्लेयर्स को यहां पर से लेने की कोशिश करूंगा। तो गाइस यदि मैं आपको बता देता हूं आप चाहते हो अश्लंका को लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सेफ जाना चाहते हो तो यहां पर से आप जा सकते हो यहां पर से जेजे स्मिथ के साथ, क्योंकि यहां पर से ये दोनों को बैटिंग का मौका मिलेगा, तो मैं यहां पर से जेजे स्मिथ को सेलेक्ट करता हूं। तो मेरे टीम में यहां पर से जेजे स्मिथ भी रहेगा, तो चलिए मैं यहां पर से स्मिथ को सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी गाइस ऑलराउंडर सेक्शन से चर्चा करते हैं, तो ऑलराउंडर्स में आप देख सकते हो इधर से आपको नजर आता हुआ हसरंगा, उसके बाद आपको यहां पर दासुन सनाका नजर आता होगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं ऑलराउंडर्स जो इधर से बाकी चर्चा कर लेते, तो यहां पर से देख सकते हो आपको जो नजर आता होगा ऑलराउंडर्स में ZNL आपको गाइस इल्टोन नजर आता होगा। तो इटोन के बारे में चर्चा करते तो इटोन यहां पर से हो सकता है, तो इनको बैटिंग का मौका दिया भी जा सकता दिया बैटिंग का तो मौका दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर से आपको बता देता हूँ बॉलिंग का मौका दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर से हम चर्चा कर लेते हैं गाइस, उसके बाद गाइस यहां पर से हम चर्चा करते हैं ऑलराउंडर्स में, तो ऑलराउंडर्स में देख सकते हो इधर से आपको जो जे फ्रिंकलिंग आपको नजर आता होगा, तो जे फ्रिंकलिंग के साथ जाना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, आप जा सकते हो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गाइस देख सकते हो 14-26 और गाइस वही विकेट की चर्चा कर लेते, तो एक बार यहाँ पर से 13 रन देकर के 2 विकेट, फिर 37 रन देकर के 2 विकेट लिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर से नजर आता होगा डी वीसो, तो गाइस वीसो के साथ जाना चाहते हो तो इनके साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ऑलराउंडर्स जो है एक ऑलराउंडर्स इसके तरफ से सेलेक्ट करूंगा, बाकी एक ऑलराउंडर्स इसके तरफ से सेलेक्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इधर से जो सेलेक्ट करूंगा गाइस हसरंगा के बारे में चर्चा कर लेते, तो हसरंगा देख सकते हो आपको दिखाई देता हुआ 37-21, फिर आपको 56 नजर आता हुआ, और वही हम चर्चा करते हैं यहां पर से विकेट लेने का चांसेस, तो गाइस हसरंगा के पास काफी अच्छा खासा गुगली है, आप इसे सी या बीसी भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा किसको कैप्टन और किसको बीसी बनाना है। बाकी आप इसे चाहते हो स्मॉल लीग में ट्राई करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सी या बीसी में। 37-21-56 और गाइस यहां पर से विकेट की चर्चा कर देते तो देख सकते हो 27 रन देकर के 3 विकेट लिए, फिर आपको नजर आता होगा 21 रन देकर के
तीन विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर से चर्चा कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पर से आपको सनाका नजर आता होगा, तो सनाका से यहाँ पर से बॉलिंग का चांसेस काफी ज्यादा कम रहता है। यदि गाइस यह बॉलिंग भी करता है तो दो ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं करेगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर से आप सनाका को ड्रॉप करके ही चलना, सनाका आपके लिए जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर से इधर से जो सेलेक्ट करने वाला डब्लू हसरंगा को मैं सेलेक्ट करूंगा, तो गाइस मेरे टीम में यहाँ पर से हसरंगा रहेगा, तो चलिए मैं यहाँ पर से हसरंगा को सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो गाइस मैं जो इधर से सेलेक्ट करने वाला हूँ फ्रेलिंग को सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर से जे फ्रेलिंग को मैं सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे टीम में यहाँ पर से जे फ्रेलिंग हो गया। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इधर से बॉलिंग सेक्शन से, तो गाइस बॉलिंग सेक्शन में आपको बता देना चाहता हूँ चमीरा हो गया, उसके बाद तीक्ष्णा, उसके बाद गाइस यहाँ पर से फर्नांडो जो श्रीलंका की तरफ से बॉलिंग रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, और हो सकता है तो गाइस यहाँ पर से चमीरा को बैठाया जाएगा तो बॉलिंग सेक्शन जो यहाँ पर से यह बढ़ाएगा श्रीलंका। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ चमीरा देख सकते हो एक मैच में यहाँ पर से 36 रन देकर के 0 विकेट, फिर 49 रन देकर के 1 विकेट, फिर 19 रन देकर के 2 विकेट लिए। और गाइस यहाँ पर से तीक्ष्णा के बारे में चर्चा कर लेते, तीक्ष्णा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, इसे आप ट्राई करना चाहते हो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा सेफ होने वाला है। तो गाइस मैं जो सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर से आपको तीक्ष्णा दिखा देता हूँ, 39 रन देकर के 2 विकेट, फिर आपको यहाँ पर से 25 रन देकर के 1 विकेट लिए, उसके बाद यहाँ पर से 21 रन देकर के 2 विकेट लिए, फिर आपको फर्नांडो नजर आता होगा, तो गाइस फर्नांडो देख सकते हो 22 रन देकर के 1 विकेट, फिर आपको 23 रन देकर के 1 विकेट, फिर 15 रन देकर के 3 विकेट लिए। तो मैं जो सबसे पहले इधर से सेलेक्ट करूंगा गाइस यहाँ पर से आप चमीरा को ले लेना, चमीरा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो यहाँ पर से सेलेक्ट करूंगा डी चमीरा को मैं यहाँ पर से सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो मेरे टीम में यहाँ पर से चमीरा भी रहने वाला। उसके बाद मैं जो सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर से एम तीक्ष्णा को सेलेक्ट करूंगा, तो गाइस मैं यहाँ पर से तीक्ष्णा के साथ भी जाने वाला हूँ। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ इधर से भी मैं दो बॉलिंग सेक्शन लेकर के जाऊंगा, तो गाइस यहाँ पर से देख सकते हो आपको जो नजर आता होगा आपको इधर से जो बॉलिंग सेक्शन रहेगा वह 3 बॉलर्स या 4 बॉलर्स के साथ नाबिया उतरने वाला है। तो गाइस इधर से हम बॉलिंग सेक्शन में चर्चा करते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में देख सकते हो आपको डी विशो नजर आता होगा, तो गाइस विशो को देख सकते हो यहाँ पर से 16 रन देकर 2 विकेट, फिर आपको 19 रन देकर के 2 विकेट, उसके बाद गाइस यहाँ पर से देख सकते हो आपको जो नजर आता होगा फिर यहाँ पर से सोल्टज नजर आता होगा, तो गाइस सोल्टज से जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला हुआ देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पर से देख सकते हो आर ट्रम्पल मेल नजर आता होगा, तो गाइस ट्रम्पल मेल यहाँ पर से 27 रन देकर के 2 विकेट, फिर आपको 22 रन देकर के 2 विकेट लिए, उसके बाद यहाँ पर से देख सकते हो बी सोल्टज नजर आता होगा जो 14 रन देकर के 0 विकेट, फिर आपको 22 रन देकर के 1 विकेट, फिर 21 रन देकर के 3 विकेट, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर से टी लुंगा मेनी आपको नजर आता होगा, तो गाइस लुंगा मेनी के बारे में चर्चा करते हैं, 26 रन देकर के 0 विकेट, फिर 23 रन देकर के 2 विकेट, तो इधर से जो इंपॉर्टेंट पिक होने वाला हुआ आप डी विशो के साथ जा सकते हो, विशो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। तो गाइस मैं जो यहां पर से सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले डी विशो को मैं यहां पर से सेलेक्ट करूंगा, तो चलिए मैं यहां पर से विशो को सेलेक्ट कर लिया हूं। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप चाहते हो इधर से बॉलिंग सेक्शन एक बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, फर्नांडो के साथ जा सकते हो, अन्यथा आप चाहते हो इधर से दो बॉलर्स को लेना तो आप गाइस ले सकते हो ट्रम्पल मैन के साथ जा सकते हो, तो ट्रम्पल मैन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, तो ट्रम्पल मैन को ले सकते हो। तो गाइस यहां पर से आठ ट्रम्पल मैन को मैं यहां पर से सेलेक्ट करूंगा, बाकी इसमें तो प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट हो चुका है, इसमें हम चर्चा करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो गाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं जो बनाऊंगा तो देख लो यह जो मेरा ओपिनियन है और यह जो मेरा प्रेडिक्शन है और मेरे टीम में रहने वाला है। गाइस मैं आपको सबसे पहले सजेशन देता हूं, यदि आपको यह टीम अच्छा लगता तब आप यह टीम से खेलो, अन्यथा नहीं खेल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो सेलेक्ट किया जो जो मेरे प्लेयर्स में रहने वाला है उसके बारे में आपको बता दिया हूं। तो मैं जो कैप्टन बनाऊंगा मेरे टीम में जो कैप्टन रहने वाला मैं जो सी के साथ जाऊंगा वह हसरंगा के साथ सी जाऊंगा, और गाइस वीसी जो मैं जाने वाला हूं वह बीसी जाऊंगा कुशल मेंडिस के साथ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दिया हूं कैप्टन मैंने बनाया हूं हसरंगा को और बीसी जो बनाया हुआ कुशल मेंडिस को बनाया, और गाइस आपको एक दो ऑप्शन और देता हूँ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। तो गाइस यह ग्रैंड लीग का सी और बी सी हो गया, स्मॉल लीग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो स्मॉल लीग में इसे सी भी बना सकते हो और इसे बी सी भी बना सकते हो, और इसको बी सी आप चाहते हो ड्रॉप करना तो आप बैटिंग सेक्शन से ले सकते हो, पार्थ निशंका को सी या बी सी कर सकते हो, निशंका को आप सी या बी सी कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा, और गाइस इसी प्रकार से आप प्लेइंग 11 टीम जो हुआ सेलेक्ट कर सकते हो। और उससे पहले आपको फायदा का बात बता देता हूं, यदि आपने अभी तक के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो अपना फाइनल टीम देता हूं वह टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल फ्री में। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों का टीम प्रोवाइड किया जाता है, या यहां पर से T20 का मैच होता है, ODI का मैच होता है, या गाइस यहां पर से T10 का मैच होता है, या
टेस्ट का मैच होता है। सभी प्रकार के मैच को वहाँ पर से टाइम टू टाइम मैं टीम देता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।